चलो बॉयज एंड गर्ल्स शुरू करें सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सो य वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड विद दिस वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बैच मे 22 टू दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि इस टॉपिक का जो वेटेज है वो अराउंड एक दस मार्क का मान के चलो लेकिन अगेन एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं आठ मार्क का कभी आ सकता है कभी नौ मार्क का आ सकता है दस बारह तेरह जिस भी प्रकार से वो बनाना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट उस हिसाब से बना लेंगे लेकिन हाँ एवरेजली उसको दस मार्क का मान के चलो बिकॉज अदर लॉ चालीस मार्क का है तो चालीस मार्क के लिए चार एक्ट्स तो उस हिसाब से एवरेजली दस मार्क हम लोग मान के चलते हैं सो so, दस मार्क की इज्जत दे के इसको पढ़ना है ऐसा नहीं कि लास्ट टॉपिक है तो इसको इज्जत नहीं देना है या फिर ऐसे टॉपिक है दस मार्क है ओके और हाल फिलहाल में रिजल्ट लगा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे चार मार्क पाँच मार्क दो मार्क एक मार्क तीन मार्क इस लैक से फेल हुए है तो कोई भी टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं होता है ईच एंड एवरी टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट और वैसे ये मज़ेदार टॉपिक भी है जैसे हमने जनरल कॉलेज पढ़ा वैसे ये मजेदार टॉपिक है बहुत मजा आएगा आपको भी और सिखाने के लिए तो मुझको हमेशा मजा आता ही है तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो यस वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स सो फर्स्ट वी नीड टू नो सर हमने जनरल क्लासेज एक्ट पढ़ा फिर उसके बाद ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू वाला एक टॉपिक ऐड किया गया है सर दोनों में अंतर क्या है क्यों पढ़ रहा है जनरल क्लाजा क्यों पढ़ा हमने जनरल क्लासेज एक्ट को हम लोग सारे लॉज का लॉ बोलते थे लॉज ऑफ ऑल लॉज जैसे जनरल क्लास का बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर किसी सेंट्रल इनैक्टमेंट में कोई एक चीज डिफाइन नहीं करी गई है या फिर डिफाइन करी गई है लेकिन मल्टीपल टाइम्स में और हमको उसका मीनिंग नहीं डिराइव हो रहा है तो हम लोगों को जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाकर के उसका मीनिंग दिया है क्या देखना है और उसी मीनिंग को वहां पे अप्लाई करना है अनलेस द सेंट्रल एक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज या अगर सेंट्रल किसी एक्ट में दो से ज्यादा बारी अगर कोई बात डिफाइन की हुई है या दो से ज्यादा बारी कोई प्रोविजन बताया गया है और उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है कि भैया मीनिंग नहीं समझ रहा है पहले पढ़ते कुछ और है बाद में पढ़ते तो कुछ और है तो उस चीज का मीनिंग कैसे डिराइव करे तो वो आपको कौन बता रहा था आपका जनरल जेंडर एक्ट बता रहा था तो उसी लाइन पे हमको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट क्या बता रहा है नाम देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट जैसे जनरल क्लॉज एक्ट आपको डेफिनेशन बताता था क्या बता रहा था डेफिनेशन वैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट किसी भी एनेक्टमेंट में किसी भी स्टैचू में दैट इज एक्ट में जो भी बातें लिखी हुई है उन लिखी हुई बातों का मतलब क्या है वो ढूंढने में मदद करता है ओके जनरल क्लोजेस एक्ट में आपको बताया डेफिनेशन दिया है definition नहीं दिया तो मेरे पास आओ जैसे गुड फेथ का डेफिनेशन अगर किसी एक्ट में बताया नहीं है फिनेंशियल ईयर का डेफिनेशन किसी एक्ट में बताया नहीं है एफिडेविट का मतलब किसी एक्ट में बताया नहीं है जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है कि आओ मेरे पास आओ मैंने उस चीज का डेफिनेशन अपने पास रखा हुआ है उसका मीनिंग रखो और फिर वो जो बातें वहां पे प्रोविजन बताया गया है उस प्रोविजन को आप क्या करो उसका मीनिंग डिराइव करो जैसे एक्ट मस्ट बी डन इन अ गुड फेथ द एंडोर्समेंट मस्ट बी मेड इन अ गुड फेथ

लॉ मेकर बोलते हैं भैया देखो फाइनेंशियल का मतलब होता है जो ईयर एक अप्रैल से शुरू होता है और वो वाली बातें हमको जनरल क्लॉज एक्ट बताता है टू मेक द यूनिफॉर्मिटी इन द मीनिंग ऑफ द इनैक्टमेंट हमको जनरल क्लॉज एक्ट मदद कर रहा था उसी लाइन पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू क्या बोल रहा है कि किसी भी एक्ट में कोई भी प्रोविजन लिखी हुई है कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस का सही मतलब क्या है किसी एक टर्म का मतलब नहीं बता रहा है किसी एक टर्म का मतलब देखना है तो जनरल क्लॉज एक्ट में जाओ लेकिन एक्ट में जो बातें टेक्स्ट लिखा हुआ है द टेक्स्ट ऑफ द एक्ट उसका मतलब क्या है एक प्रोविजन आपको बताई गई है कि ये प्रोविजन का मतलब क्या है अगर मान लो वो मीनिंग आपको एब्सर्ड लग रहा है क्यों लगेगा एब्सर्ड बिकॉज़ उसका रियल इंटेंशन हमको पता नहीं है या फिर वो प्रोविजन जिस लॉजिक से लॉ मेकर्स ने लिखी हुई है वो मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है देन आप किसका मदद किसकी मदद लेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट इसमें आपको बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं क्या बताए हुए हैं रूल्स कि हाउ टू इंटरप्रिट द स्टैच्यूट हाउ टू डिराइव द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजन अगर आपको नहीं लग रहा है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन इस रूल में दो प्रकार के रूल्स हैं बहुत सारे रूल्स हैं उसमें से दो रूल है पहला रूल है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन वट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन लिटरल मतलब की जो बातें लिखी हुई है उसका मतलब वही होता है द डिरेक्टर शुड बी पनिशेबल अब यह बात लिखी हुई है सो वॉट वट डू मीन बाई इट डायरेक्टर भी पनिशेबल मतलब डायरेक्टर पनिशेबल है और इसका मतलब क्या ही होता है बताओ यू आर क्लेवर सो इसका मतलब क्या निकलता है यू आर क्लेवर यू आर क्लेवर तो यू आर क्लेवर राम इट्स मैंगो व मीनिंग ऑफ इट राम इज द मैंगो ना भाई रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू टॉपिक आपको ये सिखा रहा है पहले रूल में कि भैया अगर किसी एनेक्टमेंट में किसी भी स्टैचूट में अगर कोई बात प्लेन लिखी हुई है और अगर उस प्लेन बातें लिखी हुई का मतलब हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं तो ले लो ना भाई और मतलब लेने का मतलब क्या है जैसे हमेशा लड़कियां करती है कोई भी चीज बता दो उसका कोई और ही मतलब सोचेगी तो ये वाली बातें मत करो भाई उनको सिखाना पड़ेगा भाई रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन नाम का कोई चीज होती है मम्मी है ना मम्मी को हमने बोल दिया मम्मी हमको है ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस है हाँ भी नॉर्मल दिन पे बोलेंगे तो बात सही है ना नहीं तो मम्मी उस दिन पे भी डाउट डाउट ले रही है एक्स्ट्रा क्लासेस काय के एक्स्ट्रा क्लासेस भाई दिमाग में उसने इंटरप्रिट कर लिया कि ये कहीं तो घूमने जाने वाला है क्लास के नाम पर नहीं मम्मी लिटरल इंटरप्रिटेशन ले लो ना मम्मी कि मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लास है फोर्टीन फेब को बोला मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लास है यहां पे लिटरल इंटरप्रेशन काम नहीं करेगा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करके रूल है लॉ मेकर्स के लॉजिक को समझना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है मैंने बहुत सारे दिनों पे थ्री सिक्सटी फोर डेज पे ये बोला कि मम्मी आज एक्स्ट्रा लेक्चर है का मतलब होता है आज एक्स्ट्रा लेक्चर है लेकिन मैंने फोर्टीन फेब पे बोला कि मम्मी आज एक्स्ट्रा लेक्चर है उसका मतलब होता है दया कुछ तो गड़बड़ है दया ये मम्मी ने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन किया तो कई बार लॉ में ऐसे प्रोविजन आते हैं जिसका लिटरल मतलब कुछ और निकलता है और इसका सही मतलब कुछ और होता है ऐसी कौन कौन सी जगह है या फिर ये रूल कब अप्लाई करे ये आपको ये टॉपिक बता रहा है आई मेरी बात समझ में तो इस टॉपिक का इंटेंशन नहीं है कि आप लोग लॉ मेकर के इंटेंशन को समझो क्योंकि लॉ जब लिखा जाता है अभी आपने जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ा पढ़ने के बाद पहले रीडिंग में आपको को समझा है ना अगर ईपी आपकी जिंदगी में नहीं होता तो माइड भी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि खुद के तो नोचोगे साथ साथ बाजू वालों के भी नोचोगे सही बात है कि नहीं मतलब लॉ पहली बार पढ़ने से हो सकता है समझ ना आए ऐसा क्यों होता है सो लॉ ऐसे क्यों लिखते हैं प्लेन लिखना चाहिए ना राम इट्स मैंगो लिखो ना भाई लिखो ना ऐसे जनरल क्लोजेक्ट में कितने सारे वो रिपील वाला पहला सेक्शन ही खतरनाक था सही बात है कि नहीं तो सही से नहीं लिख सकते थे जैसे मोहित सर ने सिखाया सही से नहीं लिख सकते प्लेन लिखो ना कि रिपील होने से पुराने एक्ट में जो बातें एप्लीकेबल नहीं थी वो आज भी एप्लीकेबल नहीं होगी सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे ऐसा उल्टा पुल्टा लिखने की क्या जरूरत है लॉ मेकर चाहते हैं कम से कम शब्दों में मैक्सिमम मीनिंग या मैक्सिमम बातों को कवर करके चले <coughs> कम से कम शब्दों में नहीं तो एक्ट इतना बड़ा हो जाएगा मैंने बोला नहीं लॉ ऐसा पुरानी बातें एप्लीकेबल नहीं थी वो इस भी एक्ट में लागू नहीं होगी क्योंकि वो रिपील हो चुका है और फलाना 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 लेकिन हमने क्या करना है बस कुछ ही वर्ड्स में कुछ ही वर्ड्स में उसका मतलब समझाना है ताकि लॉ का टेक्स्ट कम हो जाए है कि नहीं तो लॉ इसीलिए ऐसे ही लिखा जाता है ऐसे नहीं कि किसको ना समझे ऐसे लिखा जाएगा जैसे आपका एग्जाम का पेपर किसी को ना समझाए ऐसा लिखो ऐसा <laughs> नहीं होता है लॉ क्यों लिखता है कम से कम शब्दों में मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम कवरेज आई बात समझ में लॉ बनाया जाता है ऐसे लैंग्वेज का यूज करके तो हो सकता है मिनिमम वर्ड्स के चक्कर में हमारी दिमाग की हालत कुछ ऐसी नहीं है कि हम उसका मतलब समझा पाए तो इसलिए वो इंटरप्रिशन ऑफ स्टेच्यूट वाला टॉपिक आपको बोलता है भैया मैं हूं ना चिंता करने की जरूरत नहीं है आई बात समझ में पक्का क्लियर है तो ये जो टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो ये आपको कभी किसी चीज का मतलब नहीं समझा रहा है किसी एक टर्म का मतलब नहीं समझा रहा है ये आपको क्या बता रहा है कि लॉ के टेक्स्ट का मीनिंग कैसे निकाले रियल मीनिंग आई बात समझ में क्या निकाले टेक्स्ट का रियल मीनिंग कैसे निकाले वो हमको क्या करना है समझना है और ऐसे वाले रूल्स यहां पे बताया हुए तो अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिवाइड करता हूं कि भैया इस टॉपिक में क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं सर ये तो बता दो तो देख लेते हैं कि टॉपिक को बेसिकली मैं तीन लेग में डिवाइड कर सकता हूं ठीक है इंटरप्रिटेशन ऑफ of... बोलो ना नलायक बोलोगे कि मैं ही बोलू घंटा गया आपको श्योर ओके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट को मैं तीन लेग में डिवाइड कर सकता हूं पहला है ओवरव्यू ओके ऑब्जेक्टिव एंड क्यों है क्या है कैसा है, कैसा ना फलाना फलाना बातें ओवरव्यू दूसरा है अपने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट ठीक है और तीसरा है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या बोलो आई बात समझ में तो इसमें पहले ओवरव्यू है देन दो मेजर पार्ट है जहां पर आपको एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के रूल्स यानी कि एक्ट के रूल्स एंड देन हाउ टू इंटरप्रिट दी डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स डीड्स मतलब आप सी ए बनने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट डीड्स को देखोगे तो उसमें जो बातें लिखी हुई है उसका मतलब क्या निकाले या उसका सही मतलब क्या होता है रियली इंपॉर्टेंट थिंग आई बात समझ में पक्का तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नाउ एज दर्ड्स अजेड दिस इज द इंटरप्रेशन ऑफ वॉट स्टैचूट सर सर वॉट ड्यू मै स्टैचूट ये तो समझा दो पहले तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा अपने नोट्स में नोट्स में आप देखोगे आपको बहुत सारे डेफिनेशन बताए हुए हैं उसमें से उसके बाद कुछ मीनिंग ऑफ बेसिक टर्म्स आपको देखेंगे यहां पे तो उसमें से पहली चीज है दैट इज स्टैट्यूट स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है कैन यू मी व्हाट इज स्टैच्यूट व्हाट डू मीन बाय स्टैचूट चलो आपको ये तो पता है लॉ का मतलब क्या है क्या मालूम सर लॉ का मतलब क्या है वेरी गुड एक्ट प्लस रूल्स फिर उसके अंदर नोटिफिकेशन ऑर्डर्स ये सारी बातें आएगी लेकिन वो हम लोग नहीं लेते तो लॉ क्या होता है कभी भी लॉ पास होता है कि एक्ट पास होता है लॉ पास होता है कि एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में क्या पास होता है लॉ की एक्ट एक्ट पास होता है एक्ट फिर उसके अंदर उसको चलाने के कुछ रूल्स होते हैं और दोनों को मिलाकर के हमको कायदा समझता है कि क्या करना चाहिए ये इसका कायदा क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है इसके कायदे कानून हमको समझने हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको पढ़ना पड़ेगा साथ साथ कंपनी रूल 2014 पढ़ने पड़ेंगे जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं स्पाइस 32 प्लस स्पाइस प्लस है कि नहीं वो फॉर्म कहां पे बताया एक्ट में बताया क्या तो हमको एक्ट एंड रूल दोनों पढ़ने पड़ते हैं तो मुझको क्या समझता है कायदे कानून तो लॉ क्या होता है एक्ट प्लस रूल्स बताएंगे एक्ट कौन बनाता है अब ये तो बात कितनी बार डिस्कस हुई पार्लियामेंट बनाता है ना लोकसभा राज्यसभा की सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट अरिश्योर और रूल्स कौन बनाता है अरिश्योर सेंट्रल गवर्नमेंट तो बेसिक्स फंडा यह है कि जो भी चीज जो भी चीज पार्लियामेंट बनाती है जो भी चीज कौन बनाती है पार्लियामेंट बनाती है साला इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेचूट खत्म बात सीधी बात बकवास जो भी चीज पार्लियामेंट बनाता है उसको बोल देंगे स्टैट्यूट और हम लोग किसको इंटरप्रिट कर रहे हैं स्टैट्यूट को या लॉ को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट रूल्स को इंटरप्रिट करने का कोई सवाल बनता नहीं बिकॉज रूल्स तो रूल्स होते हैं एकदम रूल ये ये फॉर्म नंबर है अब इसमें क्या ही इंटरप्रिट करें और फिर भी रूल्स में अगर कुछ बातें बताई हुई नहीं है तो इसके लिए जनरल क्लॉज तो है, एक्ट तो है ही हमने देखा कल सेकेंड पार्ट लास्ट वाले पार्ट में देखा कि नहीं देखा कि रूल्स का मतलब कैसे निकाले अगर उसमें कुछ डिफाइन नहीं है तो जनरल क्लॉज एक्ट तो है ना आई बात समझ में तो स्टैच्यूट का मतलब देखो अ रिटर्न विल ऑफ लेजिस्लेचर बिल बोलते हैं ना बिल to the common man the term statute generally means the laws and regulations of every sort without considering from which the source they emanate however the term statute has been defined as the written will of the legislature solemnly expressed according to the forms necessary to constitute it the law of the state normally the term denotes an act enactment by the legislative authority नॉर्मली क्या होता है इट मीनस द एक्ट विच हैज बिन एन जो लेके आए पास किए करते हैं कौन एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हमारे इंडिया में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है वो लेजिस्टिव अथॉरिटी था, था, है जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट्स है याद है ना कुछ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म स्टैच्यूट बट इट एम्प्लॉयज द टर्म लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेच्यूट वर्ड नहीं है लेकिन वो लॉ वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, Constitution में. डिस्क्राइब एंड एक्सरसाइज ऑफ द लेजिसलेटिव पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन में भले स्टैचूट वर्ड निका हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है तो एक्चुअली वो लॉ लिखना नहीं चाहिए था वहां पे स्टेच्यूट लिखना चाहिए था द टर्म लॉ इज डिफाइन एज इंक्लूडिंग एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बायलॉज रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन एंड द लाइक आई बात समझ में अरे पक्का तो इसको बोलते हैं अब लगे हाथ नीचे एक डेफिनेशन आया डॉक्यूमेंट का उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार पढ़ेंगे क्या और बताना मुझको क्या हमने इसको कहे, पहले कहीं देखा है क्या देख लो देख लो पढ़ो फिर बताना नीचे तक पढ़ना है पूरा ओवर, बताएंगे दोनों डेफिनेशन सेम है क्या अलग अलग है सेम ही है ना अरे श्योर लेकिन एक डिफरेंस है एक्चुअली दो है दोनों डेफिनेशन में दो डिफरेंस है डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन एज पर जनरल क्लोज एक्ट एक बार वापस पढ़ेंगे चलो मैं एक डिफरेंस पॉट करके देता हूं आपको ये दिस है ये दैट है दूसरा आप बताओ है कि नहीं डिफरेंस बताओ नाउ डो नॉट गो बाय दिस डो नॉट गेट कैरिड अवे बाय दिस डिफरेंस यू डो नॉट ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस इन वर्ड्स देखते हैं अगर जनरल क्लाजैक्ट सही से पढ़े हो तो उसका मतलब जरूर आएगा द ऑनलाइन स्टूडेंट कैन ऑल्सो ट्राई लिगार दिस खुशी का आंसर बिल्कुल सही है तो इफ यू सी दिस डेफिनेशन ओके तो एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट इंटरप्रिटेशन एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट द डेफिनेशन इज गिवन In an exhaustive manner, and here they have given the definition inclusive manner. General Clauses Act सही पढ़े हो, तो you should have spot the difference. Very good, खुशी beta. तो document का definition बाकी same है, और ये बस difference है, inclusive और exhaustive। तो हर एक act के perspective से उसको define करा हुआ है, बाकी definition same है। Okay sir, क्या exam में आता है? तो जी हाँ, मैंने General Clauses Act में भी बताया था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ऊपर अगर देखोगे एग्जामिनेशन में सो so, मई पहला ही अटेम्प्ट जो था नए सिलेबस का उसमें ये सवाल पूछा गया था ओके okay, जी क्लियर है नीचे ये वाला सेम पार्ट आपका जनरल एक्ट जैसा है तो क्या आप उसको आप कवर कर लोगे नहीं है तो फिर अपना जनरल क्लास एक्ट का सीरीज भी है तो वहां से आप उसको देख सकते हो ठीक है चलो सो लगे आते काम करते हैं सारे बेसिक टर्म्स को खत्म कर देते हैं ओके okay? फिर हम लोग दूसरे पार्ट में जम करेंगे इस टॉपिक के तो नेक्स्ट आपका एक टर्म है दैट इज इंस्ट्रूमेंट नाउ व्हाट डी मीन बाय इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है इन कॉमन पैरालस इंस्ट्रूमेंट मींस ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच क्रिएट्स और कंफर्म्स राइट और रिकॉर्ड्स द फैक्ट रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा कोई भी फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कोई भी फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कुछ राइट क्रिएट होता है या किसी फैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है ऊपर देखा हमने डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट माने ऐसा नहीं कि लीगली होना चाहिए फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है चौदह फरवरी को हमने कुछ लेटर बिटर एक्सचेंज कर लिए डॉक्यूमेंट है भाई संभाल के रखना एविडेंस री है इट कैन बी यूज एज एविडेंस आगे पीछे किसी ने अगर मान लेते हैं कुछ धोखाधाड़ी कर लिया आई टेकन ए रैंडम डेट फोर्टीन फिपे मान लो कोई सेल डिट परचेज डिट हुआ है तो यू कैन यूज इट एट एविडेंस रिप्रूफ आगे पीछे किसी ने धोखा दे दिया तो यू कैन यूज इट अगेंस्ट इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ वॉट यूर थिंकिंग यूर थिंकिंग द सेम दैट आई वॉज थिंकिंग एक्चुअली आपके चेहरे की मुस्कान की चमकान कुछ और बता रही है <laughs> <laughs> <coughs> नलायक हो चौदह फरवरी हो या आपका जो भी हो अपना चौदह फरवरी रिजल्ट के दिन पे होगा समझे ना समझे हो सकता है कल के दिन पे बहुत सारे लोगों के दिल टूट चुके हैं दे वुड हैव प्लान ऑन फोर्टीन फेब सम थिंग एल्स बट इंस्टीट्यूट फेल देयर होल प्लान एक्चुअली सो दैट्स व्हाट आई एम द एक्चुअली फोर्टीन फेब द वैलेंटाइन डे इज ऑन द रिजल्ट डे ऑफ द इंस्टीट्यूट है नहीं ऑन दैट डेट यू कैन डू एनीथिंग नॉट एनीथिंग का मतलब होता है विच कैन बी डन यूजली man द मैन ऑफ prudence, ऑर्डिनरी else. <laughs> क्या भाई समझ रहे हो ना आगे बढ़े तो कोई भी डॉक्यूमेंट <coughs> जो एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके राइट्स एंड फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है एग्जाम्पल बता दो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अरे नाम में ही है ना लायक होगोशियबल <laughs> इंस्ट्रूमेंट्स कितने है? तीन है ना पहला प्रोमिस नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक बताएंगे क्या इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लिया मान लेते हैं चेक चक बोलते हैं चक हमारे सर बोलते हैं ना तो चक चेक जिसको बोलते हैं बताएंगे चेक क्या इंस्ट्रूमेंट है क्यों क्या वो कुछ राइट्स क्रिएट करता है क्या वो कुछ फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है अरे चेक। अगर मान लो मैंने आपको कोई चेक ड्रॉ करके दिया अकाउंट पे ही। क्रॉस चेक क्या बोलते जनरली क्रॉस या स्पेशल क्रॉसिंग? जनरल क्रॉस या स्पेशल क्लॉजिंग शोर पक्का तो अगर मान लो मैंने आपको क्रॉस करके दे दिया चेक तो बताएंगे वेदर यू हैव अ राइट टू क्लेम द मनी फ्रॉम माय बैंकर यू हैव अ राइट नो व्हेन आई हैव क्रिएटेड दैट इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट गेव यू द राइट टू क्लेम द अमाउंट फ्रॉम माय बैंकर दैट इज इंस्ट्रूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट क्रिएट करके देता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो फैक्ट को रिकॉर्ड करता है एग्जाम्पल के तौर पर यह तो इंस्ट्रूमेंट हो गया दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं सेल डीड सेल डीड जैसे मान लिया हमने मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी कर ली तो वो बंदा सेल डीड एंटर करेगा हमारे साथ तो क्या उस सेल डीड पे कुछ फैक्ट्स रिकॉर्ड होता है कि ये ये प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है ये इतने इतने में खरीदा है वगैरह वगैरह और उसके ऊपर कुछ राइट्स भी बनते हैं कि हमारा राइट है उसको खरीदने का सामने साले ने किसी और को भेज दिया तो बीच में उसके इस फल कर सक ये, ये मेरा हक है साडा हक एथ हाउ कैन वी से दैट बाई यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट आई बात समझ में इट इज अ फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड सच एज एग्रीमेंट डीड चार्टर्ड रिकॉर्ड ड्रॉन अपजीक्यूटिव टेक्निकल फॉर्म उसका कुछ फॉर्मेट होता है सेल डीड का फॉर्मेट होता है चेक का कोई फॉर्मेट है विलो का कोई फॉर्मेट है और कोई भी पार्टनरशिप डीड फॉर से पार्टनरशिप डीड भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ही है ना तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए वगैरह सेक्शन टू फोर्टीन ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट एटीन नाइनटी नाइन स्टेट दैट द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड एवरी डॉक्यूमेंट बाई विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज और पर्पज टू बी क्रिएटेड ट्रांसफर्ड एक्सटेंडेड एक्सटिंग और रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझेंगे फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर राइट्स और फैक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं ये हो गया इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन लगे डीड को भी पढ़ लेते हैं बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में डीड इंक्लूडेड तो वट इज डीड सो अगलो ग्लोसरी डिफाइन डीड एज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइडिंग और अदर लेजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड्स ऑन अ परम और पेपर परछम वो पुराने जमाने में राजा महाराजा जो यूज करते थे ना कि वो ऐसा कुछ ये होता था ऐसे है कि नहीं या फिर किसी भी पेपर ऐसा इस पे लिख दिया पीस ऑफ क्लोथ पे कुछ लिख दिया ऐसे काइंड ऑफ परछम बोलते थे उसको तो परम या पेपर पे लिख दिया सम लीगल डिस्पोजिशन मतलब कुछ लीगल बातें लिखने के लिए हमने किसी भी पेपर का इस्तेमाल कर लिया, 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 किसी 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 भी 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 का 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 इस्तेमाल 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 कर 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 इंस्ट्रूमेंट दिया तो उसको डीड बोलते हैं क्या बोलते हैं अगर हमने कोई लिखा हुआ लिखा पढ़ी किया पार्टनरशिप डीड है है लीगल डिस्पोजिशन कि जो बातें हमने लिखनी है जिसको फ्यूचर में क्या करना है हमको रेफर करना है ना इट डिस्पोजिशन तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो किसी लीगल डिस्पोजिशन के लिए बनाया गया है एग्जाम्पल क्या है सेल डीड नाउ टेल मी वेदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड डीड वेदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड डीड बता डीड इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट पढ़ लो इसको और बताना इसका मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट डीड होते हैं क्या सारे इंस्ट्रूमेंट डीड होते हैं क्या क्या लिखा है सिंप्लीसेड डीड्स आर द इंस्ट्रूमेंट दो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड्स लेकिन इंडिया में ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता है. बताएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या एक डीड है डीड सी इंस्ट्रूमेंट बट क्या बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट एक है के डेफिनेशन में इंस्ट्रूमेंट। इन आई बात समझ में सर ये एग्जाम में आता है क्या जी हाँ जरूर आता है दोनों भी इंपॉर्टेंट नीचे आ रहा है इंटरप्रिटेशन तो ये काम करेंगे आप लोग इंटरप्रिटेशन के पॉइंट को पढ़ेंगे पूरा का पूरा यू हैव टू रीड इट एट होम एट क्लास प्लीज और चलो ये कोई बातें इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप एग्जाम परपज के लिए स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा इंटरप्रिटेशन क्या होता है मीनिंग निकालो ये निकालो वो निकालो वही सारी बातें लिखी हुई है चलो इसके ऊपर सवाल आया स्टडी मटेरियल में एक सवाल है और सेम सवाल में ट्वेल्व में सवाल आया था एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन सर मे ट्वेल्व में तो अपने सिलेबस में था ही नहीं <laughs> तो एक्चुअली ये जो बात है वो आपकी सी फाइनल में थी ये जो इंटरप्रेशन ऑफ स्टैचूट वाला जो टॉपिक है वो सी ए फाइनल का टॉपिक है मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है मेरे एग्जामिनेशन में भी एप्लीकेबल था तो ये सेम वाला टॉपिक आपके इंटर में घुसेड़ दिया हुआ है तो मे बाईस में सी ए फाइनल में सवाल आया था और सेम सवाल आपको इस बार भी आ सकते हैं इंटर में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट वट आर द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट इन दिस रिगार्ड डिफाइन द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन हाउ यू विल इंटरप्रेट द टर्म इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो एग्जामेशन तो में आता है तो ऑलरेडी आ चुका है और नवंबर उन्नीस में ही आया है ओके okay? ऊपर एक सवाल आता है मे अठारह में अगेन वट इज वट डू मे डॉक्यूमेंट इन मे एटीन तो हो सकता है आपको इसमें से कोई एक बेसिक टर्म आपको एग्जामिनेशन में पूछ ले दो तीन मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है ठीक है जी ओके आगे बढ़े तो कुछ इनिशियल वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था इस एक्ट में जिसके ऊपर भी सवाल बने हैं मे सिक्सटीन फाइनल में एम टी पी मे बाईस इंटर वाला मे उन्नीस मे उन्नीस में ऐसे सवाल आए हुए थे तो पढ़ते हैं क्या चीजें ये तो आपको जैसे पता ही है कि कोई भी एक्ट कायदा बनने से के लिए उसका प्रोसीजर क्या है

यहाँ पे कुछ एक बातें हैं जो बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी है इस पार्ट को थोड़ा मैं स्किप करता हूं इसको भी कवर करेंगे जरूर करेंगे लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूं मैं डायरेक्टली जंप करता हूं यहाँ पे दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ओके जो आपका सेकंड लेग आएगा इसमें जिसमें रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीज एंड डॉक्यूमेंट आएंगे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहीं पर कवर हो जाएगा आपका ओके तो उसको डेडिकेटेडली समय देने की जरूरत नहीं है तो जैसे आप चार्ट में देख पा रहे हो दैट वट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इफ यू सी बिलो यू विल फाइंड द ऑफ इंटरप्रिटेशन ऊपर क्या बताया हुआ है और नीचे क्या बताया हुआ का है का यही से इंटरप्रिटेशन शुरू होता है <laughs> है कि नहीं ये क्लासिफिकेशन क्या, क्या है और काइंड क्या है संभालो अपने आप को बातें कवर हो जाएगी फोकस डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन आएंगे सब लोग क्या आप मेरे साथ हो क्या हम साथ साथ हैं पक्का बात करते किस चीज़ की क्लासिफिकेशन ऑफ वॉट कुछ खा के आएगी नहीं है घर से कि मंगवाए कुछ डोमिनो से मंगवाए कुछ खाओगे हम्म क्या खाओगे मंगवाता हूँ मैं बताओ क्या खाओगे बताओ बस जस्ट नेम योर डिश क्या कहोगे बताओ क्या कहोगे कुछ नहीं कहोगे पेट भरा हुआ है कुछ मंगवाया नहीं तो ऐसे सौ साल से भूखे जो लोग होते हैं ना जिनकी आवाज मुंह से नहीं निकलती है मैं हमेशा एक सवाल बड़ा ही जेनुनली पूछता हूं कि देख के डर रहे हो या फिर आप डर के देख रहे हो क्या हो क्या रहा है आपके साथ आप डर रहे हो नहीं तो आवाज़ क्यों नहीं फूट रही है ऐसा होता नहीं कि हम लोग डर गए तो आवाज़ नहीं फूटती अपने कुछ ज़्यादा प्रेशर आ गया इधर नहीं ना तो जवाब दो भाई बोलो अभी तो बच्चे कुछ अपने तीन चार दिन हैं भाई बैच के फिर आप कहाँ हम कहाँ बात करो भाई इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला प्रकार है जो आप अभी अपने बुक में देख पा रहे हो दैट इज लीगल इंटरप्रिटेशन और दूसरा प्रकार है डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन क्या बोलो एक होता है लीगल ओके okay, और दूसरा क्या होता है बोलो डॉक्ट्राइनल व्हाट डू मीन बाय दिस बोथ टर्म्स लीगल एंड डॉक्ट्राइनल सो लीगल को अगेन मैं दो लेग में डिवाइड कर सकता हूं इसमें पहला आ सकता है ऑथेंटिक और दूसरा होगा यूजुअल तो पहले फोकस डालता है किस पे लीगल पे लीगल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो बातें लॉ में बताई हुई है उस चीज से ही उसका मतलब निकालना है जो बातें लॉ में बताई हुई है उसी से उसका मतलब निकालना है किसी एक्ट में गुड़फित का डेफिनेशन नहीं है कहां से उठाओगे इसको लीगल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते इसको लीगल इंटरप्रिटेशन आई बात समझ में जो लॉ लॉ ही आपको बोल रहा है कि भैया खुद का दिमाग चलाने का मेरे को पता है बहुत होशियार हो हुँ? अब इसमें दो प्रकार है एक है ऑथेंटिक और दूसरा है यूजुअल एक है ऑथेंटिक दूसरा है व्हाट इज ऑथेंटिक ऑथेंटिक ओरिजिनल कैन से सम वॉट आई कैन से प्योर ऑथेंटिक प्योर ओरिजिनल किसी भी चीज मान लो आपको चाइनीस खाना है चाइनीज इफ यू यू गो टू द चाइनीज कॉर्नर सो डू यू फाइंड द ऑथेंटिक चाइनीज ओर देर द डिश विच कैन बी सर्व टू यू इज द इंडो चाइनीज थिंग्स स्पाइसेस एंड ऑल मिक्सड ऑल द इंडियन ओनली जस्ट फ्यू बी यूज ऑफ चाइनीज मसाला एंड दे विल सर्व यू एज अ चाइनीज फूड हाँ बस अपने रेगुलर फूड से कुछ और टेस्ट करता है इसलिए उसको चाइनीज बोलने का चाइनीज है

तो ये कोई इटालियन फूड नहीं है ऑथेंटिक मतलब उसी ऑथेंटिक जगह पे जाके वही ऑथेंटिक फूड खाना है जो ऑथेंटिक बंदा बनाएगा अपने पे चाइनीज के ठेले लगाते नेपाली और हम उसको चाइनीज बोलते अरे अपने नेपाली भाई बहन जो है ना वो थोड़ी ना चाइना से है हाँ पेट भरने के लिए वो इधर आए हुए हैं अरे कुछ कुछ लोग तो अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी आते हैं जिन अपने ही भाई बहन है लेकिन हम उनको नेपाली बोलते बताओ है ना ऊपर है ना आसाम मेघालय मणिपुर ये वो अपने ही भाई बहन है रे वो इंडियन है लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है बॉडी टाइप अलग है तो हम उसको नेपाली बोलते हैं हम उनको चाइनीज बोलते हैं बोले चाइनीज है अब चाइना का बंदा यहाँ पे क्यों आएगा चाइनीज परोसने के लिए पंद्रह रुपए का सूप देने के लिए आपको वाई दे विल कम अलॉन्ग वहाँ पे कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना इसलिए आ जाते लेकिन नॉट चाइनीज ऑथेंटिक फूड आई कैन शेयर यू वन स्टोरी विथ यू क्या आई so i went to the punjab i think in 2018 around 18 october i went to the punjab and uh, when i went there uh, we were there in the afternoon we reached there afternoon from the airport we reached to the hotel and then we had some rest over there and in the evening we went for just shopping and could sightseeing and all that so in the morning when i woke up i was clear in my mind from the beginning of the journey जब मैं पंजाब में जाऊंगा तो पंजाबी ऑथेंटिक खाना खाऊंगा देखो यहाँ पे पंजाबी खाते हैं ना हम लोग सो आई डोंट फाइंड डे ऑथेंटिक है मतलब तो पंजाब में जाके अमृतसर में जाके वहाँ पे ऑथेंटिक पंजाबी खाना वो मज़ा ही कुछ और है तो स्टार्टिंग होता है ब्रेकफास्ट से तो ब्रेकफास्ट में सबसे पॉपुलर क्या है पराठा है छोले भटूरे है, है कि नहीं तो दे तो मैं होटल से नीचे आया फिर होटल के बाद टैक्सी वगैरह ये लगा हुआ था मैंने बोला इनके साथ जाऊंगा तो ये नायक मैं को किसी फाइव स्टार में लेके जाएंगे किसी एक थ्री स्टार होटल में जाएंगे किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में ए सी बी रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे और वहाँ पे मुझको ये एक नाश्ता दिलवाएंगे हो सकता है कुछ अलग से ट्रीट करके मैं को दे दे या फिर ऑथेंटिक ना मिले इवन इन द पंजाब इवन इन द अमृतसर वी वर जस्ट लिविंग वी वर जस्ट रिसाइडिंग नियर बाय दैट गोल्डन टेम्पल तो वट आई डिड मैंने मम्मी को बोला तुम रिसेप्शन काउंटर पर बैठो I'll be just back in इन minutes. So I went there and I found one cycle वाला cycle रिक्शा वाला तो cycle रिक्शा वालों को मैंने पकड़ा मैंने उसको बुलाया मैंने देख भाई मेरे को खाने छोले भटूरे पराठा ऐसी ऑथेंटिक जगह पर लेके जाना भले ही गंदा हो प्लेस लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए. जैसे वड़ा पाव का ठेले पर जाके खाने का मजा है कि होटल में जाके खाने का मजा है यानी वड़ा पाव वो प्लेट में जो थोड़ा सा गंदा है अभी धुला हुआ है उसको पहुँचा है आधा पहुँचा है आधा पहुँचा हुआ नहीं है फिर उस पर वड़ा पाव डलेगा गरम गरम है कि नहीं फिर वो पाव वाला देगा ना वो पाव देता है ऐसे <laughs> करके पाव देगा वो आपको फिर मिर्ची भी देगा वो आपको उसी हाथ से मिर्ची ऐसे ऐसे करेगा और दे देगा फिर वो वड़ा पाव खाने का मजा कुछ और है ना भाई बताओ सही है कि नहीं गलत वही अगर वही वड़ा पाव मैंने आपको ऐसा मस्त कांच के डिश में प्लेट में सर्व करके दे दिया एंड एकदम बराबर मिर्ची काट करके दे दिया ऐसा प्रॉपरली फिर पाव वगैरह जो है एकदम यस एंड देन आई गिव यू द फोक एंड नाइफ एंड देन यू आर जस्ट इटिंग मजा आएगा क्या मजा किस में है <laughs> बताओ सही है कि नहीं सही है कि नहीं बताओ तो मैंने उसको बोला भाई जगह अपनी सीधी शादी होगी तो चलेगा लेकिन मेरे को खाना है वही तो इफ़ यू हैव गन टू पंजाब यू विल सी अमृतसर बेसिकली ऐसे छोटी छोटी गलियारे हैं मूवीज़ में वगैरह आपने देखा है पर आप गए नहीं हो तो सब छोटी छोटी गलियाँ होती ही होते हैं तो मैं मम्मी और मेरी भांजी हम तीनों थे तो हम जाके बैठ गए रिक्शा में साइकिल रिक्शा एंड uh, उसको जो मैंने बोला था उसने उसको उसने उसको फॉलो किया बराबर तो लेके जा रहा है हमको इधर उधर गलियों में ये वो ये वो मेरे को डर लगने लगा पंद्रह मिनट से घुमा रहा है होटल पर पहुँचे नहीं हम लोग मैंने बोला अभी रास्ता कैसे धूल लगा मैं एकदम गलियाँ छोटी 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 और किसी अनजान जगह पे जाते तो डर तो लगता है कि नहीं भाई तो दोनों गलियों में घुमा 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 गए कोपचे में लेके गया एकदम एकदम होटल था उधर जैसे ठेला नहीं होता है क्या छोटा होटल होता है चाय का टपरी जैसा होता है अंदर बैठने के लिए अच्छी जगह थी वैसे मिसल बिसर नहीं कहते हम लोग कोल्हापुर में वैसे कैसे होता है मिसल वाल का स्टेशन होता है नगर में वगैरह मेसर का स्टेशन होता है छोटे छोटे बाकड़े होते हैं बैठने के लिए तो वैसा था और वहां पे जो उसने छोले भटूरे परोसे हैं हाँ हाँ पूछो मत इमली की चटनी साइड में है पुदीने की चटनी हरी वाली अलग से है थोड़ी तीखी है थोड़ी मीठी है फिर छोले भटूरे ऐसा उसमें मारो ऐसा हवा निकल रही है भटूरे से फिर छोले आ रहे ऐसे बाफ आ रही है छोले से एकदम मस्त फिर जो गरम गरम भटूरे हैं फिर छोले में डुबाओ फिर उसको इमली की चटनी में डालो फिर उसको हरी चटनी में डालो फिर खाओ वाह 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 और साथ में ना एकदम गरम गरम गुलाब जामुन दिए दो बड़े वाले उसको बड़े वाले रखे उसको फिर अगर ज़्यादा तीखा लग रहा है तो गुलाब जामुन का एक पीस खाओ भाई वाह क्या ये जो मज़ा है इसको बोलते हैं ऑथेंटिक मज़ा ये किसी फाइव स्टार में जाके नहीं मिलेगा भाई है कि नहीं कम टू दिस कम टू कोल्हापुर वी आर नॉट इन अमृतसर अरे पैसा भी कम लगता है कितना बिल हुआ मेरी मम्मी भांजी तो कितना खाई हमारे हम थोड़ा खाया थोड़ा बहुत खाइया हमने दो प्लेट ले लिया फिर वो गुलाब जामुन उनका प्लेट परोसा कितना हुआ का बिल डेढ़ सौ रुपए फिर चाय लिया हमने भी चाय का एक्स्ट्रा हो गया 75 रुपये का एक प्लेट छोले भटूरे दो बड़े बड़े भटूरे फिर छोले तो मज़ा अलग मजा है पैसे भी कम लगते हैं और मज़ा भी ज़्यादा आता है ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन समय भी कम लगता है और मजा भी आता है और ज्यादा दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आता है सही बात है कि नहीं प्योर ऑथेंटिक आपका क्या बोलो इंटरप्रिटेशन गेटिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं किसी भी एक्ट में कोई चीज डिफाइंड नहीं है या किसी भी एक्ट में कोई चीज डिफाइंड है तो फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट मीनिंग उसी एक्ट से अगर एक्ट में डिफाइंड है सो गेट द मीनिंग फ्रॉम दैट एक्ट इट सेल्फ सही बात है लेकिन अगर एक्ट में डिफाइन नहीं है तो बताओ ना तो जेंरल क्लॉज एक्ट बोलता है गेट द मीनिंग फ्रॉम फ्रॉम जनरल क्लॉजेस एक्ट इसको बोलते हैं ऑथेंटिक प्योर ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन इसमें कोई मिलावट नहीं होगी प्लेन मीनिंग फाइनेंशियल का डेफिनेशन आपको उस एक्ट में दिया है क्या इनकम टैक्स एक्ट में बताया है क्या तो टू ईयर एंड देयर बगल में चोरा और गांव पर ढिंडोरा क्या जरूरत है तुमको ले लो ना प्लेन और authentic. उसके बाद यूजुअल इंटरप्रिटेशन तो इज यूजुअल इंटरप्रिटेशन जैसे बहुत सारी डॉक्टराइन हमने पढ़े हैं Doctrines of Indoor Management, have डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है कंपनी लॉ इट सेल्फ टू वट इज अ डॉक्टर इनडोर इंडोर मैनेजमेंट भाई घर के अंदर क्या हो रहा है उसकी बातें हमको पता होने की जरूरत नहीं तुम अपने घर में जो भी करो मेरा ये काम हो जाना चाहिए है ना उसके लिए मैं जिम्मेवार तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार क्यों हो जाऊँगा तुम्हारे घर में झगड़े चले तो मेरा काम क्यों रोक रुक के रखा है तुमने तुम अपना मेरा मेरा काम करवा के दे दो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये सो अब ये वाली बातें लॉ में नहीं होती है बताएंगे लॉ या फिर बोलता हूं एक्ट क्या डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या एक्ट में लिखा हुआ है नहीं कंपनीज एक्ट में डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं है पता है किस सेक्शन में डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसका कोई सेक्शन ही नहीं है लेकिन क्या डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कोई अलग प्रिंसिपल है जिसको 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 लोग यूजुअली फॉलो करते हैं इसलिए इसको यूजुअल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं जो सही है उस एक्ट के मीनिंग को डिराइव करने के लिए जो सही है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई बात समझ में एक्ट में है क्या नहीं लेकिन यूजुअली फॉलो करते हैं लोग जी हाँ तो एक बड़ा ही वेल well नोन से प्रिंसिपल्स है जो किसी एक्ट को मीनिंग uh, डिराइव करने के लिए मदद करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या यूजुअल इंटरप्रिटेशन तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रटेशन में पहला है लीगल दूसरा है डॉक्ट्राइन लीगल में पहला ऑथेंटिक एंड दूसरा है यूजुअल गेटिंग माई पॉइंट मेरे जवानों हाउ द जोश हा हाय का ना है हाय हाय ना हो जाए <laughs> <laughs> फिर डॉक्ट्राइन में आता है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और दूसरा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जोर से बोलो क्या ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल तो व्हाट इज इज ग्रामेटिकल यहां पर आपको बोला है गो बाय द रूल्स ऑफ द स्पीच गो बाय द रूल्स ऑफ द स्पीच वन शुड नॉट गो इन डीप टू डिराइव द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस लिटरल इंटरप्रिटेशन ऐसा नो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन सही बात है कि नहीं

If I say Ram eats food. So will you able to get the meaning of it? Now, will you able to derive the exact meaning of it? Ram eat the food. So there is a question mark in your head. What kind of food? So then you tried searching the meaning of it. So yeah, grammatical interpretation. Grammatical Ram eats mango. Grammatical. बात समझ में लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का एक एक्सेप्शन है एक बड़े क्लासिक एक्सेप्शन है। सुनना चाहोगे कि मैं आगे बढ़ू सुनना चाहोगे एक मस्त एक्सेप्शन है सी फाइनल में जो भी आपके लॉ के टीचर होंगे वो आपको माइट भी सिखाए नहीं सीखा तो आ जाना सो सेक्शन सेक्शन नंबर टू फोर्टी फाइव और ये क्लास एक्शन के बारे में बता रहा है मैंने आपको ये इंटर लॉ से क्लास एक्शन का एक रेफरेंस दे दिया था इज क्लास एक्शन अगर मान मान्य बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं तो उसके पे किसी ने एक ने अप्लाई कर दिया तो उसका एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा सारे क्रेडिटर कैसे अप्लाई करेंगे क्लास एक्शन सूट याद है कुछ तो ये सेक्शन टू फोर्टी फाइव बता रहा है सब सेक्शन नंबर वन में कौन अप्लाई करेगा क्लास एक्शन सूट कौन कर सकता है सच नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम दे प्रिस्क्राइब और एज इंडिकेटेड इन सबसेक्शन नंबर टू बाकी बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है बोला है कि ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स जो सबसेक्शन नंबर दिख रहा है ना आपको ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स जो सबसेक्शन नंबर टू में बताया है उतने नंबर ऑफ मेंबर्स क्लास एक्शन सूट को फाइल कर सकते हैं तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा अभी ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है कहां पे जाओ सबसे जाएंगे यह है सबसेक्शन नंबर दो क्या बोला है वेयर द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स सिक्स एनी डैमेज और कॉम्पेंसेशन और डिमांड एनी अदर सुटेबल एक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट एन ऑडिट फर्म द लाइबिलिटी शाल बी ऑफ द फर्म एज वेल एज ईच पार्टनर

बस क्लॉज वन पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है जोर से पढ़ो नलायक हो क्या 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 सुनाई नहीं दे रहा है जोर से पढ़ो रिदम सिंक्रोनाइजेशन नाम की चीज दुनिया में होती है वन टू थ्री गेट स्टार्ट क्या है, है हमको पढ़ने की जरूरत नहीं लेकिन साला सब सेक्शन नंबर सला में बोलते हैं सब सेक्शन नंबर दो में दो में जाओ और दो में जा तो कुछ भी नहीं समझता है वो की बात कर रहे हैं मतलब सब सेक्शन नंबर नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है लेकिन वही बात सब सेक्शन नंबर तीन में बताइए तो बताएंगे क्लास एक्शन शूट कौन फाइल करेगा कौन फाइल करेगा सब सेक्शन नंबर तीन वाले लोग या दो नंबर वाले लोग दो नंबर में कुछ है ही नहीं तो नाउ हियर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन विल नॉट वर्क बिकॉज लॉ मेकर्स जो है उन्होंने अभी इंसान है गलती तो हो सकती है उन्होंने सबसेक्शन नंबर तीन के जगह सबसेक्शन नंबर दो लिखा हुआ है ये वाली बात अब तक किसी को पता नहीं चल रही है कि ये ये वाली गलती हो गई यहाँ पे किसी की नज़र में आ भी गई है तो किसी ने नोटिस नहीं करवाया उसको कि भैया थोड़ा इसमें चेंज करो भाई हा? ये इंटर वाले बच्चे पढ़ के ना फेफड़ा के गिर गए कि कहाँ पर लिखा है कितने नंबर ऑफ मेम्बर्स सही बात है कि नहीं उसके लिए थोड़ा सा ये एक्सपर्ट <coughs> लेवल की नॉलेज की जरूरत होती है पढ़ने के लिए ऑब्जर्वेशन <laughs> की जरूरत होती है ऑब्जर्वेशन दृष्टिकोण स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए तो पता चल जाती है ऐसी छोटी छोटी बातें है कि नहीं बताओ तो नाउ क्या मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं कि मैं तो मेरे को तो पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ में गो कि भैया हो सकता है गलती तीन नंबर में जितने लोग हैं उतने नंबर का एप्लीकेशन ले लो चले जाओ ऐसे जाओ मैं सेकेंड ऑप्शन इज बेटर सो दिस इज एक्सेप्शन सेक्शन नंबर टू फोर्टी फाइव सब सेक्शन नंबर वन टू एंड थ्री ओके लिखना नहीं है ये लिखने का मौका दूंगा मैं सारी बातें उधर लिखी हुई नहीं है इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ आपको क्या मैं को ऐसे टाइम पास करने के लिए लिख रहा हूँ मैं ये तो दूसरा क्या बोलो लॉजिकल एक हो गया ग्रामेटिकल दूसरा क्या बोलो लॉजिकल मतलब क्या अब यहां पे यू हैव टू गो बाय द लॉजिक ऑफ लॉ मेकर्स कि लॉ मेकर्स ने इस चीज को जो लिखा है जिसका मीनिंग मैं डिराइव नहीं कर पा रहा हूं तो व्हाट कुड द लॉजिक ऑफ द लॉ मेकर्स टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ प्रोविजन ये सोनो कि क्या लॉजिक हो सकता है लॉ मेकर्स को ऐसे लिखने का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल लॉ मैके से लिख दिया दैट यू कैन हैव अ पैट एनिमल्स लाइक डॉग्स काउस बफेलोज एटसेट्रा लॉम के लिख दिया ना खुशीसी आ गई खुशी टाइगर लेके आ गई जंगल से ले माई पैटर्निमल ये सर ना इसका नाम रखा है मैंने टाइनी <laughs> क्या नाम रखा है गडिंग्लेज में लेके घूम रही है सब रोड पर लेके घूम रही है पता चला खुशी जी उसके पीछे दिखी नहीं रही है <laughs> खुशी जी इसको चला रही है यह खुशी जी को चला रही है ये नहीं समझ रहा है लोगों को सब लोग पूछ रहे हैं क्या है ये क्या है ये क्या है और क्या है टाइनी है इतना बड़ा हाथों तो, <laughs> तो किसी ने रोक दिया इनको माने सभ्यस्तर ने जी ने रोक दिया आपको सबिस्तर जी अगर लेक्चर देख रहे हो तो हमने आपको याद किया है तो सब्यस्त जी ने रोक दिया सब्य रुख ये क्या लेके आयु

न हैव अ पैट एनिमल्स लाइक डॉग्स काउस बोड्स भेड़ बकरी एंड एटसेट्रा तो एटसेट्रा में है ना एटसेट्रा का मतलब क्या होता है इतर सो so, इतर का मतलब क्या है उसमें इतर मतलब सब आएंगे ना तो उसमें टाइगर लॉ मेकर्स का लॉजिक क्या है इसके पीछे आप सारे एनिमल्स के नाम नहीं लिख सकते रे सो यू हैव टू डिराइव द मीनिंग ऑफ एटसेट्राउंड from the earlier words that law makers has specified it has to be grouped whatever you trying to say is a pet it has to be grouped in the group that law makers has told you specifically so yaha pe dog cow buffalo etc me kya aayega बाकी भेड़ बकरी भैंसे ये आएंगे ना इसमें और क्या क्या होते हैं पेट इसको छोड़ के पैरट हाँ यस yes. वो पंची हो गया वैसे so a... तो कि पंची चलो मान लो पैरट और स्कोर हाँ वर्ड एवर उसमें आएगा ना सही बात है नहीं तो आप लिटरल इंटरप्रिटेशन में चले गए ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में चले गए एटसेट्रा का मतलब ये हो सकता है भाई तुम तो अपना अपना लॉजिक लगाओगे लॉ मेकर्स का लॉजिक क्या है वट इज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स लॉ मेकर्स का इस चीज को बनाने का इंटेंशन क्या है एग्जाम्पल और एक बताता हूं मैं प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ट्रीज बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट ईयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट ईयर इतना डिफिकल्ट है क्या कुछ रॉकेट साइंस पूछ लिया क्या मैंने हाँ मन्नान जी प्लान का ऊपर का मतलब क्या है प्लान मतलब काइंड ऑफ कुछ टूल्स मशीनरी कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग ये वो कुछ तो शेड ये वो प्लांट शॉर और नीचे प्लांट्स पेड़ पौधे ये इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे मन्नान जी द डेप्रिसिएशन ऑन द सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेड दैट दैट द डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी इज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट एंड देन अगेन थर्टी टू ए डी देव गिवन डेप्रिसिएशन ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स आई कैन से इंस्टॉलेशन

जास्मिन ऐसा जास्मिन मतलब फ्लावर 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 ब्लशिंग है एकदम तो ऐसा लिख दिया उसने सही बात है बताओ वेदर इट इज अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन और व्हाट नो ना प्लांट एंड मशीनरी लिखने से स का लॉजिक मतलब मशीनरी से डिराइव करो उससे कनेक्ट होना चाहिए और नीचे ट्रीज का मतलब लॉजिक ऑफ द लॉ मेकर्स गेटिंग माई पॉइंट यही बात समझ में मजेदार लग रहा है आपको अरे पक्का एक काम करेंगे इस चीज को पहले कॉपी करेंगे फास्ट इसको भी लिखो लॉ इज इकू एक्ट प्लस रूल्स एंड फलाना okay <laughs> चलो उसके बाद दो तीन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे और फिर आज के लिए हम लोग रुकेंगे नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द इंटरप्रिटेशन वर्सेज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में क्या अंतर है वाइल मोर ऑफन दैन नाट द टू टर्म्स आर यूज इंटरचेंजबली टू डिनोट दोसेस अडोप्टेड बाई द कोर्ट्स टू असर्टन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव फॉर्म इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड दिज टू टर्म्स है डिफरेंट को मतलब इंडिया में जैसे इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मीनिंग अलग अलग नहीं होता है दोनों का लेमन टर्म्स में मीनिंग हम लोग सेम ही पकड़ते हैं इंटरप्रिटेशन भी मीनिंग डिराइव करना और कंस्ट्रक्शन भी मीनिंग डिराइव करना लेकिन दर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन डिफेयर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन इज अ ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड द कंस्ट्रक्शन इज अ ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन रिस्पेक्टिंग सब्जेक्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि उस टेक्स्ट का टेक्स्ट के पीछे का लॉजिक समझना और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम उसका मीनिंग कुछ ऐसे डिराइव करें जो कि उसके मीनिंग को कहीं पे जाके अफेक्ट ना करे। ओके थिन डिफरेंस इट नॉट दैट मच डिफरेंस मैंने कोई बात लिख दी उसका इंटरप्रिटेशन करना मतलब उसके पीछे का लॉजिक समझना कि ये क्या चीजें क्यों आई है और कंस्ट्रक्शन मतलब मैंने आपको कोई बात बता दी तो आपने उसका मीनिंग कुछ ऐसे डिराइव करना है ताकि उसके रियल मीनिंग को कभी ठेस ना पहुंचे ओके वेर द लेजिस्लेचर यूजेज सर्टन वर्ड विच अ पीरियड ऑफ टाइम इट मस्ट बी अज्यूम दैट दोज वर्ड्स हैव बीन यूज इन द सेम सेंस दस वेर टू द प्लेन मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज यूज बायिस्चर इट वुड बी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स बट वेर द मीनिंग इज नॉट प्लेन द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर दर्ड वर्डिंग वॉज मेंट टू कवर दिटुएशन बिफोर द कोर्ट हियर द कोर्ट वुड बी रिजॉर्टिंग टू वॉट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन मतलब हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन में एक बात लिखी हुई थी कि लिटल इंटरप्रेशन ले लो जो मीनिंग है वही ले लो लेकिन अगर मान लेते वो वर्ड एब्जर्डली डिफाइन किया हुआ है तो फिर कोर्ट को क्या करना पड़ता है फिर उसका मीनिंग उस एंगल से लिया जाता है जिस एंगल से वो वर्ड यूज होना चाहिए उस सिटुएशन में वो वर्ड क्या डिफाइन होता है However, the two terms interpretation construction overlap each other and rather difficult to state where interpretation leaves off construction begins. जहाँ पे interpretation खत्म होता है वहाँ पे construction शुरू होता है So going by the literal meaning is called as interpretation and going by the spirit of the provision उसको बोलते क्या construction. Okay exam में आएगा नहीं बिल्कुल भी Because ये कोई अगर law में कैसे इसमें clear नहीं है कि दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं तो आपको क्या ही पूछ लें लेकिन नीचे एक नीड फॉर इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन आया एक बार उसको पढ़ लो एज अ होमवर्क एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा एक बार होमवर्क करके जरूर पढ़ लेना फॉर द नॉलेज परस्पेक्टिव फिर उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो मिलेंगे विद दिस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो अपने इस टॉपिक का मेन थर्स्ट पॉइंट है अभी जो पूछा अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं लेकिन यहां से आपको बहुत सारे सवाल बढ़ने के चांसेस है जो आए हैं और जो नहीं भी आए हैं तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन में दो प्रकार के क्लासिफिकेशन आते हैं इंटरप्रिटेशन के एक है स्टैचुटरी और दूसरा है नॉन स्टैचुटरी स्टेचुटरी मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट जो आपको बताएगा उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करो एंड अगर मान लो कुछ डेफिनेशन दिए हुए रिस्पेक्टिव एक्ट में तो उसके हिसाब से उसको डिफाइन करो और नॉन स्टैचुटरी में आते हैं आपके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो आपके इस टॉपिक का मेन पॉइंट है नॉन स्टैचुटरी जैसे जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ा वो लीगल तरीके का एक इंटरप्रिटेशन है लेकिन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कोई एक्ट है क्या नहीं है बस ये रूल्स बताए हुए ओके नियम बताए कि भाई ऐसा ऐसा उसको कर लो ये कोई स्टेचुटरी उसका कोई बैकअप बैकअप बैक नहीं है जो कि पार्लियामेंट से पास होकर रूल आया है ये जनरली उसको लोग फॉलो करते हैं अलिखित नियम जिसको बोलते हैं तो काइंड ऑफ तो थिंग जो मदद करते हैं आपको लॉ को समझने में तो इसमें आपके दो प्रकार के रूल्स आते हैं एक आता है प्राइमरी रूल्स और दूसरे आते हैं सेकेंडरी रूल्स क्या बोलो प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स एंड देन आते हैं आपके केस लॉज तो बहुत सारे केस लॉ हमने देखे ना इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का एक कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बहुत सारे केस स्टडी देखे देखो गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड हॉर्न सालोमन वर्सेज सालोमन नहीं उसमें तो नहीं था लेकिन एक अलग केस था सालोमन वर्सेज सालोमन या फिर अपना एक केस स्टडी था दैट इज रिस फाउंडेशन में ओके okay, ऐसे बहुत सारे केसेस केसेस हैं। ये आपको क्या बता रहे है? कि देखो लॉ तो बना दिया भैया ऐसा सिचुएशन आएगा तो ऐसे ऐसे करो लॉ तो ये है लेकिन ऐसे भी लोग कर सकते हैं तो उसको रेफर करो केस लॉ को और फिर अपना उसका मीनिंग निकालो कि इस आ, आ, प्रोविजन का मतलब ये होता है ओके okay,

रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ एजस्टम जनरिस्ट आपको होल सेल सवाल नहीं आएंगे आपको आएगा तो कोई एक सवाल रूल आएगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे चार मार्क के लिए तो एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ रूल सर इंपॉर्टेंट बता दो ना बच्चों का होता है ना सर इसमें से इंपॉर्टेंट अरे क्या इंपॉर्टेंट एक मार्क् से फेल हो जाएगा ना पता चलेगा फिर इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट क्या होता है

आई बात समझ में तो लगभग कल का लेक्चर इस पर डेडिकेटेड रहेगा फिर अगला वाला लेक्चर इस पर डेडिकेटेड रहेगा तो आई गेस अगले दो दिनों में अपना बैच भी खत्म हो गया तो तुम्हारे से सैटरडे सो मंडे कुड भी योर लास्ट डे फॉर योर इंटर बैच ओके उस मंडे को हम लोग इंटरप्रिटेशन सेशन खत्म करेंगे ठीक है जी ओके okay, चलो सर थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी फॉर सो मच ऑफ टाइम मिलता है कल विद न्यू टॉपिक्स टिल देन बाय बाय लव यू ऑल